ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 22 जनवरी को साल में दूसरी बार भगवान रामलला की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह और उनके पुत्र विधायक दिव्यराज सिंह भगवान राम की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा सुबह 11 बजे से शहर भ्रमण के लिए निकलेगी, जो कि रीवा किले से शुरू होकर फोर्ट रोड, साई मंदिर और स्टैचू चौराहे होते हुए शिल्पी प्लाजा मार्ग से सीधा सिरमौर चौराहे की ओर जाएगी। इसके बाद पुनः ये यात्रा अस्पताल चौराहा होते हुए शाम 6 बजे किले में प्रवेश करेगी। किले में दीप प्रज्वलित कर भगवान राम का स्वागत किया जाएगा, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में 22 जनवरी को रीवा शहर के बीच बहती मां बिहर की आरती का आयोजन भी शुरू होगा। पार्षद सतीश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और रीवा नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे की उपस्थिति में शाम 5 बजे सुंदरकांड का यहां पाठ होगा। इसके बाद 21,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, साथ ही 5,000 राउंड की आतिशबाजी और लेजर लाइट शो का आयोजन होगा। शाम 8 बजे माँ बिहर की आरती शुरू होगी। इसके बाद राम खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। रीवा शहर के रानीगंज में पार्षद दीनानाथ वर्मा द्वारा शुरू किए गए रामचरितमानस पाठ का समापन होगा। इसके बाद डिप्टी सीएम सुबह 10 से 12 बजे तक हवन का कार्यक्रम करेंगे, साथ ही अयोध्या राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। इसके अलावा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी होगा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राम मंदिर उद्घाटन समारोह पर शहर के मानस भवन में रामदीप रंगोली कार्यक्रम शुरू होगा। ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे दीप दान किया जाएगा। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के अध्यक्ष सुमित मंजवानी ने बताया कि मानस मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन, व्याख्यान माला के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन समारोह का उत्सव रीवा के मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। रीवा स्थित प्रसिद्ध चिरहुला नाथ राम सागर मंदिर और खेम सागर मंदिर में 22 जनवरी को राम भक्तों द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन और भंडारे का आयोजन होगा। साथ ही शाम 6 बजे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा राम हर्षन मंदिर, हनुमान मंदिर, पीटीएस के साथ शहर की कई मंदिरों में भी धार्मिक समारोह आयोजित किए जाएंगे।